रक्षाबंधन का पवित्र पर्व इस बार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन ऐसा क्या करें जिससे भाई की लंबी उम्र की कामना हो, आइए जानते हैं उज्जैन के पंडित आनंद भारद्वाज से। जी, रक्षाबंधन एक प्रमुख पर्व कहा गया है भाई बहन के संबंध में। ये पूरे भारत में मनाया जाता है तथा सनातन धर्म को मानने वाले सभी इस पर्व को मनाते हैं तथा ये भाई बहन का मुख्यतः त्यौहार कहा गया है और इसमें लौकिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं तथा पौराणिक कथा महाभारत काल से ये रक्षाबंधन का त्यौहार बनाया जा रहा है। ये रक्षाबंधन का त्यौहार 2024 में 19 अगस्त को मनाया जा रहा है जो कि सोमवार को आ रहा है। इस दिन भाई के लिए क्या क्या कार्य करना चाहिए तथा किस प्रकार भाई का को रक्षा सूत्र बांधना चाहिए, राखी बांधना चाहिए तथा पूजन में क्या क्या आवश्यक सामग्री होती है उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर मुख्यतः अपन थाली जब सजाते हैं रक्षाबंधन की तो उसमें मुख्यतः रोली या कुमकुम अवश्य होना चाहिए। रोली कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक कहा गया है तथा कुमकुम आदि का जो तिलक होता है वो विजय तिलक तथा भाई की लंबी उम्र के लिए तथा भाई की विजय के लिए और शुभ कामनाओं के लिए वह लगाया जाता है। अक्षत जो है, अक्षत भी बड़ा पवित्र माना गया है भारतीय धर्म में और मस्तक पर लगाने से अक्षत जिस प्रकार इसका नाम है विषय अक्षय की प्राप्ति हो तथा पुण्य की प्राप्ति हो तथा लंबी उम्र हो इसलिए अक्षत लगाया जाता है, इसलिए थाली में अक्षत रखा जाए। उसके पश्चात थाली में नारियल रखा जाता है जिसे श्रीफल कहा जाता है जो कि देवी लक्ष्मी का प्रतीक होता है तथा इसको भाई को देने से उसकी तरक्की तथा वृद्धि का योग बनते हैं जिससे कि नारियल रखा जाए तथा उसके पश्चात आरती का दीपक रखा जाता है जिस आरती किया जाए और आरती से भाई की नजरें उतारी जाए कि भाई का जितना भी अनिष्ट हो वह अनिष्ट खत्म हो। इस प्रकार बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना के लिए ये कार्य करती हैं। मिठाई खिलाई जाती है, आरती उतारी जाती है और उस मिठाई खिलाने से भाई की बहन के प्रेम में मिठास बनी रहे तथा मधुरता आए तथा उसकी शुभ कामना के लिए वो मिठाई खिलाई जाती है। तो इस चार रक्षा सूत्र उसे बांधा जाए कि इससे हमारे भाई की रक्षा होवे तथा लंबी उम्र की कामना की जाए तथा कोई भी बीमारी आदि दोष हो तो वो दूर होवे। इस प्रकार फिर रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और भाई को मिठाई खिला करके उसकी आरती करना चाहिए। इस क्रम से रक्षाबंधन का त्यौहार बनाए और कुछ बार रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है वो भद्रा काल जो है दोपहर में 1:30 बजे 1:30 पर ख़त्म हो रहा है। उसके पश्चात 1 बजे से तो 8 बजे के बीच में हम कभी भी रक्षाबंधन का त्यौहार बना सकते हैं तथा भाई को राखी बांध सकते हैं।